नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। बकरा ईद पर पढ़ी नमाज, गले मिलकर दी बधाई। मुरैना कलारा जमा मस्जिद पठान गली में आज कोविड 19 को देखते हुए शासन के नियमानुसार बकरा ईद मनाई गई, जिसमें एक दूसरे के गले मिलकर आपस में ईद की बधाई दी। वही इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी हुआ हसमुख मिजाज के नेता सलीम पठान ने सभी लोगों से भाईचारा बनाने की अपील की और इस त्योहार को बड़े ही शानदार तरीके से मनाने की अपील। ईद का मुबारक त्यौहार है और इस मौके पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? ये त्यौहार एक साल का जो आता है, ये भाईचारे की भावना को लेकर आता है। चाहे किसी समाज का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, हमको दिलों पर एक करने का एक बहुत बड़ा मौका है एक साल में मिलता है। तो ऐसा सब लोगों ने एक दूसरे गले मिले हैं, इनकी एक दूसरे मुबारकबाद दी है और एक दूसरे के आपस में घर जो भी थोड़ा बहुत सरफा आज और बकरे की कुर्बानी जो हम देते हैं वो तो हम देते ही मजहब के हिसाब से, लेकिन आज हम सबको मिलकर हमने प्रण किया है, तय किया है कि जो नफरत की बातें जो दुनिया में फैल रही हैं उसकी कुर्बानी दें और मोहब्बत को गले लगाएं और दुनिया के अंदर जो नफरत फैल रही है उसके लिए अच्छी बातों को गले लगाएं और नफरत की कुर्बानी दें, भाईचारा पैदा करें सब में। ये हम हमारी सबसे भाइयों से अपील है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज।